मेरे जीवन में कभी विदाई नहीं हुई क्योंकि जनता से चुनाव लड़ता रहा। करीब 7 चुनाव में जनता से लड़ा, जीता लगातार, तो विदाई का अवसर नहीं मिला। आज पहली बार विदाई का अवसर मिला है, सुख भी है, कुटीस भी है, लेकिन एक जीवन का अनुभव है। और मैं तो अपने जीवन में संघर्ष ही करता रहा, बहुत मायके आए। जब मैं ये लगा कि मैं राजनीति बहुत निचाई पर जा रहा हूँ, लेकिन एक संघर्ष, एक सोच और एक उद्देश्य लेकर मैं चला जीवन में, और न कभी हार मानी न कभी हार मिली। और मुझे विश्वास है कि जनता का जो विश्वास मुझे हरदम मिलता रहा, आगे भी मिलता रहेगा। मैं पहले उन सभी साथियों से क्षमा चाहूँगा, मेरी बात किसी को बुरी लग गई हो। थोड़ा कट बोलता था, जो बोलता था पार्टी के लिए बोलता था, लेकिन खुशी इस बात की है कि सभी लोगों ने जिस तरीके से मुझे स्नेह दिया, एक जीवन में इच्छा थी कि मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर बनूं, एमएलए बहुत बार बना, मिनिस्टर बहुत बार बना, वो पूरी हुई। बहुत कुछ सीखा भी, बहुत कुछ सिखाया भी। अपने जीवन के तजुर्बे को लोग तो मुझको पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहने लगे, लेकिन मैंने लोगों से कहा कि अपनी बात, मैंने सदन को हल्का भी किया, गंभीर भी किया। और मैं आपका धन्यवाद दूंगा, उप सभापति जी का धन्यवाद दूंगा, पूर्व सभापति हामिद अंसारी जी का भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे पूरा मौका दिया। गुलाम नबी जी का मैं विशेष आदर करता हूँ कि मुझे कांग्रेस में था तब भी पूरा इनका संरक्षण मुझे प्राप्त था। आनंद भाई हमारे साथी तब के रहे हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी को भी इस हमारे धन्यवाद दूंगा कि मैंने ऐसे ऐसे कटु शब्द कभी कभी कहे जो मुझे नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमको स्वीकार कर लिया है। बात सही बात है, तो मैं इस बात के लिए एक धन्यवाद दूंगा। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मेरे में चतुराई या अच्छाई तो होगी, कहीं ना कहीं जी। लेकिन मैं इतना कहता हूं, मैंने जीवन में अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया। मैंने जीवन में संघर्ष किया, लेकिन अपमान कभी नहीं बर्दाश्त किया। और अपमान, जब जब अपमान हुआ, मैंने विद्रोह भी किया, कोई मुझे कहने में संकोच नहीं। मैं कोई बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं आया हूं, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मेरी चौथी पीढ़ी लगातार राजनीति में है। मैं खत्म करना चाहूँ, एक जनता के स्नेह की चौथी पीढ़ी, बहुत परिवार, बहुत ऐसे कम परिवार होंगे जिनकी चौथी पीढ़ी लगातार राजनीति में है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं कभी रिटायर मानता नहीं हूँ, और मैंने तो रिटायर शब्द सीखा ही नहीं है। मुझे जल्दी मौका मिला तो मैं कोई ना कोई सदन में फिर आऊँगा। मैंने मीडिया वालों को बड़ा स्नेह किया, लेकिन मुझे तकलीफ है, मीडिया ने हमारी बातों को बड़ा तोड़ फोड़ के कहीं कह दिया कि हमने ईश्वर और देवियों को अल्कोहल से लाभ दिया, जबकि मैंने एक चीज लिखी थी, कह दिया मैंने जाधव को देशद्रोही कह दिया। मुझे इस बात की तकलीफ है कि अपनी टीआरपी के लिए अगर मीडिया हम लोग को इस्तेमाल करता रहा, ये बहुत अच्छा नहीं होगा। ठीक, कहीं ना कहीं इस पर रोक होनी चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में इस माध्यम से साख हम लोगों की गिरती चली जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जहां भी रहूंगा जनता की सेवा करता रहूंगा। ठीक,